रिगार्डिंग विद अहमद, तो मैं हूँ अहमद। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आजकल जिनका आपने बहुत नाम सुना होगा, मिस्टर बकर रेसिपीज मेकर, जिनों का भटूरा बनाने का स्टाइल आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे जा रहा है यूट्यूब पे। तो अस्सलाम वालेकुम बकर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी दुकान किधर है पहले आप ऑडियंस को ये बता दें। मेरी दुकान चुंगी मेन बाजार मेट्रो बस स्टेशन है, उसके साथ मेन बाजार है और वहाँ पे गली नंबर। अच्छा, और आपका फ़ोन नंबर हमने नीचे चला दिया है, जो रब्ता करना चाहता है तो वो कर सकते हैं इनसे। इनका स्टाइल एक बहुत फेमस जा रहा है और इनसे कुछ और सवाल करेंगे। आपकी दुकान पे आपने और क्या क्या बनाते हैं? मैं अपनी दुकान पे काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज होती हैं, डेली रूटीन में हम रेसिपी चेंज करते हैं। और वैसे हम रूटीन में ना चार चीज़ें मेन है, वो हमारा समोसा है, भटूरा है और गुलाब जामुन है, पुलाव है हमारा और चिकन डिश में डम्स क्या रशियन सैलड है। ये चीज़ें हमारी इतनी चीज़ों का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। और बताइए। ये चीज़ें हमारी डेली बनती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम डेली रूटीन में उसकी रेसिपी बदलते हैं कि लोग आ जाती हैं। माशाल्लाह काफ़ी रश होता है, काफ़ी क्राउड होता है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं मेरे पास। अच्छा, ये जो से आपके सीक्रेट रेसिपीज होती हैं, सीक्रेट रेसिपीज ये आप अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे कि नहीं? थोड़ा बताइए। मैं करूँगा ऐसा ऐसा वीडियोज इस पर बनाऊँगा, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं मिलता ऑर्डर वगैरह से, इसीलिए वीडियोज़ वगैरह मेरी अपलोड ज़्यादा नहीं होती। शॉर्ट्स पर फेंकता हूँ मामले से वीडियो स्टाइल की बस, और उसी पर लोग माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। आप शादी वगैरह पे कोई फंक्शन हो, कहीं पे जाना पड़ जाए तो आप बर्थडे जाएंगे? हो, फंक्शन हो, कोई भी किसी किस्म का भी ऑर्डर हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बना लेता हूँ। और किसी भी किस्म का ऑर्डर हो, मेरा नंबर आपके चल रहा है तो आप एक अच्छे शेफ के साथ साथ आप एक यूट्यूबर भी बनने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। और बताएं कि आपके जोन से भटूरे का स्टाइल जोन सा आपका आजकल फेमस जा रहा है, वो क्यों और आपने किस तरह ये किससे सीखा? पहले यूट्यूब पे मैंने पहले नहीं देखा कहीं पे, आपका ही पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये मैंने सीखा तो दो तीन उस्ताद है मेरे, लेकिन जो मेरे मेन उस्ताद है मोहम्मद खालिद, उनसे मैंने सीखा ये वाला ये ट्रिक है। और ये मुझे आज पैसा नाम से ठीक हो गया। तो और बताइए कि आपकी दुकान पे कितने लोग काम करते हैं कि बस आप ही होते हैं, आप ही सारा बिजनेस संभाल रहे हैं अपना? जो रेसिपीज वगैरह रेडी करता हूँ वो मैं करता हूँ और मैं जो हेल्पर है वो आगे काम करते हैं। एक पापा ने मेरे साथ अच्छा, आप अपने भटूरों की रेसिपीज सीक्रेट रेसिपीज हमें शेयर करेंगे? हाँ, भटूरों की रेसिपी की मैंने टोटल वीडियो शेयर की है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, क्या क्या एक दफ़ा दोबारा बताइएगा। मिस्टर बेकर रेसिपी मेकर, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने स्पेशली रेसिपी शेयर की है। आपके जौन से चने होते हैं, चनों की भी रेसिपी से लहदा होती है, मतलब कि चने भी कोई स्पेशल होते हैं, कोई अंदर मसाला आप स्पेशल बना के डालते हैं? चने ही तो स्पेशल हैं, वो मसाले कोई लोग ग्रामिंग के हिसाब से डालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह पाक ने रखा है हाथों में कि हम हाथों से मसाले डालते ग्रामिंग नहीं करते। लाहौरियों को पाए बड़े पसंद हैं, तो आप क्या पाए भी बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाए भी बना लेते हैं, बड़ा गोश्त। आपकी दुकान कितने बजे खुलती है सुबह के? मेरी दुकान खुलती है 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। लोग ज्यादातर नाश्ता करने आते हैं कि खाना भी खाने आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं? खाना खाने आते हैं, दोपहर का खाना खा के लंच करके रात का खाना खाते हैं, ज्यादातर कस्टमर रात को होता है। गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन भी आप अपने हाथों से बनाते हैं? तो हमारे साथ शेख अबूबकर मौजूद थे, शुक्रिया शेख अबूबकर साहब, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, मिस्टर बेकर रेसिपीज मेकर, और इनकी रेसिपीज़ की सीक्रेट रेसिपीज़ लेने के लिए आप फ़ौरन इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।